Good afternoon, everyone. I'm good afternoon. How are you? Yeah, fine, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I am also fine. We are fine. बेटा आज के सेशन में आप लोगों को चैप्टर 4 बुक बी में जो एक्सरसाइज दिए गए थे हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, आपने क्या लिखा है हम जानना चाहेंगे, ठीक है? तो सभी लोग अपना बुक ओपन करके तैयार रहिएगा, ठीक है? यस मैम, हम बुक शेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए बेटा सबको बुक दिखी, हाँ बेटा सबको बुक दिखी, चलिए सभी लोग देख रहे हैं वीडियो, आ रखिएगा। चलिए बेटा अनन्या आपने इसमें क्या राइट किया, भाद्री पर समाचार आपने अपने मैम अभी कितना दिन का समय लेंगे आप? हाँ सलोनी चौहान आपने क्या लिखा है बेटा, सब लोग देखिए सामने बैठी है, स्क्रीन पे आपका चेहरा नहीं दिख रहा, सलोनी मोबाइल थोड़ा नीचे रखिए तब आपका चेहरा दिखेगा, मोबाइल थोड़ा नीचे कीजिए, हाँ नीचे कीजिए थोड़ा सा, मैम हम बैठ के चलिए सुनाइए, विद्या राइट की हो? यस मैम, क्या राइट किया बेटा? एक गांव में 17 साल का एक लड़का था, एक लड़का एक लोग का जान बचाई, वो तालाब में कूदकर और विलास का प्रकाश पाया। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आई, एक 17 साल का लड़का तालाब में डूबा था, उसने उसकी जान बचाई, इतनी छोटी इसको आप थोड़ा बड़ा में लिखना चाहिए था ना, इतना बड़ा पेज है, आप कह लाएंगे थी? हाँ महिमा आपको तो लिखा लिखाया है, विद्यांशी आप क्या लिखती हो बेटा, आपने क्या लिखा है? एक दिन की बात है, मेरे पापा के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पापा उनको अस्पताल ले गए, मेरे पापा ने उनका इलाज कराया और उनको वापस घर छोड़ा, इस तरह उन्होंने उनकी मदद की। बहुत अच्छा बेटा, आकांक्षा वर्मा आपने क्या राइट किया, आराध्या वर्मा, आकांक्षा नहीं आराध्या, आराध्या मैम, यस मैम, मैम ने यह कि एक बार एक लड़की एक जगह जा रही थी तो उसे एक बंदर ने दौड़ा लिया, तो हमने उसकी मदद की। आचल आपका क्या राइट है? मैं मेटल। हेलो जी, इसलिए बोलिए, हेलो जी बोलिए आप।
एक बार की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ विद्यालय से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। तभी हमारे चालक जी ने प्रधान अध्यापक को फोन किया और थोड़ी देर में प्रधान अध्यापक जी ने दूसरी गाड़ी लाई, जिससे हम सब की मदद हुई और हम सब अपने अपने घर गए। बेटा आप भी अच्छी अच्छा लिखी है। आचल आचल मैम एक बार की बात है, मैं और मेरी सहेलियां खेल रही थी, अचानक मेरी एक सहेली का हाथ कट गया और मैंने उसके हाथ में दवाई और पट्टी की, इस तरह उसकी मदद मैंने की। बहुत अच्छा। चलिए आकांक्षा उपाध्याय आपने क्या राइट किया बेटा? यस मैम। आप बताइए। मैम एक समय की बात है, एक दिन एक लड़की तालाब के पास खेल रही थी, तभी खेलते खेलते लड़की जा गिरी। आपने तो उसी घटना की कॉपी कर ली है। हाँ आकांक्षा उपाध्याय। नो मैम। हाँ घटना की कॉपी है आसमान की, तालाब में गिर गए, इसके बाद क्या हुआ? आदेश आप बताइए बेटा। आदेश हम मेरे गांव में एक दिवाली का त्योहार था, उस दिवाली के त्योहार में सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे गांव वालों ने, और दो लोग पटाखे फोड़ते हुए गाड़ी जाके एक घर के ऊपर गिरे, वहाँ घर पड़ने लगा और गांव वालों ने उसके आपने क्या राइट किया? मैं चंचल। हाँ बोलिए बेटा। मैम एक समय की बात है, एक लड़की छत पर खेल रही थी, अचानक उसका पैर फिसला और वह गिर गई। एक आदमी ने देखा तो उसे अस्पताल ले गया, उसकी दवाई कराई, इलाज कराई और उसे उसके घर छोड़ दिया, और घर वाले ने उस आदमी का धन्यवाद किया। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बधाई पत्र तो सभी लोगों ने राइट किया था, है ना? इसके अलावा चलिए इसमें क्या लिखा आदेश आपने? इसमें क्या लिखा है? मैम आई टेल मैम आई टेल
मैं आइटल को लिखना था ना। मैं माय कैंटल मैम उसे किससे सम्मानित किया गया? उस मैम आसिमा को किससे सम्मानित किया गया? उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उसने अपनी सही आचल यहाँ क्या पूछा ही नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पूछ रहे हैं विधान से जुड़े हैं आप क्यों? हमने लाइव क्लास में आपको बताया था आपने क्या है इसको तो फिर लाइव करवाया था और अच्छे से क्या लिखी हो मैम? आई कैन टेल यस मैम मेरा नहीं हुआ है मैम मेरा हाफ हुआ है। मैम दिए गए उदाहरण हिंदी साहित्य के साथ का विद्या से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें रचित के साथ घटित मैम यहाँ तक राइट किया मैंने। क्यों क्यों कंप्लीट नहीं किए मैम? कब कंप्लीट? मैम हम पूरा राइट किए हैं मैम पूरा राइट किए हैं। क्या मुझे बताइए? या उदाहरण हिंदी साहित्य के सज्जा का विद्या से जुड़ा है। सज्जाकार विद्या में किसी भी घटित घटना से जुड़े व्यक्ति से घटना के बारे में पूछा जाता है और उसे पाठकर के सामने पुस्तक किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में रचित का साक्षात्कार के लिए जहां जा रहा है जो अपने साथ घटित घटना का वर्णन कर रहा है। चलिए बता तो सभी लोगों को ऐसे लिखना था जिन्होंने नहीं लिखा और राइट कर लेंगे। आप लोग राइट नहीं करोगे तो आगे का सिलेबस हम कैसे पढ़ाएंगे? बीच में छोड़ दोगे तो आराध्या Yes, ma'am. इसमें आपने क्या राइट किया है? आपने राइट किया कि नहीं राइट किया? मैम ने राइट किया। ये बताइए हमने पढ़ा दिया आपने? मैम राइट किया। राइट नहीं किया। नहीं समझ आया फिर से वीडियो ओपन करके देख लो कैसे बताया गया था। विद्यांशी से आप बताइए। दिया गया उदाहरण हिंदी साहित्य का साक्षात्कार विधा से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें रचित किसका बता रही है? का नंबर या खा नंबर? मैम आइडल मैम का महिमा आप शांत रहिए आपको लिखा दिखाया मिल गया है इसलिए आप बीच बीच में बोलती रहती है आपको खुद से तो लिखना नहीं है कि अच्छा नो मैम मैंने खुद ही से लिखा है तो बस समझा दिया था आपको आप आंसर नहीं देंगे। मैम मैंने नहीं राइट किया है आप पुरानी बुक से पढ़ रही है तो आपको उसमें लिखा हुआ भी था ना आप उसी को तो बोलेंगे मैं अमरेज करती थी तो मैं बुक ली हो मैम अमरेज करके मैम मम्मी सर के पास ले गई थी बताइए क्या राइट की हो हम समझ जाएंगे इसे
बताइए चलिए क्या राइट कीजिए। महिमा बोलिए। हम बताएं वाली। हाँ। यह उदाहरण हिंदी साहित्य के समाचार विद्या से जुड़ा है क्योंकि समाचार विद्या में रिपोर्टर के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों से मिलकर उनके साथ हुई घटनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। अपरोध उदाहरण में रचित से साक्षात्कार करके उसके साथ घटी हुई घटना को समाचार के रूप में व्यक्त किया गया है। कोई चीज तो हम लिखवा रहे हैं, एक चीज हमने लिखवा रहा था, आपने प्रेस करके लिखा हो चाहे देख के लिखा हो चाहे वही चीज बोल रही हो है वही चीज। सभी लोग इसको लिखे हैं, सभी लोग नहीं लिखे होंगे है ना। नो मैम। लिखे हो आप इसको? नो मैम। चौहान आप लिखी हो? आचल? यस मैम। आप लिखी हो बेटा? नो मैम। क्योंकि उस दिन इसको हम समझाए नहीं, थोड़ा सा बता दिए आप लोगों को लिखने के लिए कहे थे। महिमा लिखे कंप्लीट है इसका मतलब उन्होंने ड्राइंग बुक है चाहे लिखी हो चाहे वही चीज बोल रही है। देखिए बेटा पहले घटना में साक्षात्कार जो कि आप लोगों ने बुक ए में पढ़ा था, सारे साक्षात्कार लिया गया था बुक ए में, आपने जिसको पढ़ा था बुक ए ध्यान दीजिएगा, बुक ए हम ओपन कर रहे हैं बुक ए, ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या होता है बेटा इसमें जानते हो? एक व्यक्ति जैसे हम है रिपोर्टर, आप आपसे पूछ रहे हैं आपके साथ कोई घटना घटी थी जिसके बारे में जानकारी लेनी है, हम आमने सामने बैठ के आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है राधिका को आसिमा के साथ घटना हुई थी तालाब में डूबने वाली घटना का साक्षात्कार रिपोर्टर पहुंचता है और ले रहा है ना। यहाँ पूछ रहा है पहला प्रश्न आसिमा से कि आसिमा आप सबसे पहले बताइए कि तुम क्या हो कैसे हुआ। तो रिपोर्टर पूछ रहा है आसिमा जो घटना घटी थी उसके बारे में आसिमा ने बताया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा रिपोर्टर ने, फिर आसिमा ने उसका आंसर दिया। फिर तीसरा प्रश्न रिपोर्टर ने पूछा आसिमा ने उसका उत्तर दिया। यानी जितनी बार रिपोर्टर प्रश्न करेगा है ना उस प्रश्न के अनुसार जो है जिसके साथ घटना घटी है वह उत्तर देगा। तो ऐसे घटना को साक्षात्कार विधा कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षात्कार विधा है ना। और समाचार यहाँ देखते बुक बी में वही चीजें बताई गई है आपको, रचित का साक्षात्कार यहाँ लिया गया। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे उसका साक्षात्कार लिया गया। घटना क्या थी यहाँ देखिए, घटना ये थी कि 14 वर्ष वर्षीय रचित जो है नदी में डूबते हुए व्यक्ति को बचाया था है ना। तो घटना जो घटी थी उस घटना को रिपोर्टर ने जाके पहले रचित से पूछा, यहाँ पे रचित से पूछा गया है ठीक है, घटना के बारे में रचित से पूछा गया। यहाँ देखिए उस दिन क्या हुआ आपके साथ, रिपोर्टर कह रहा है ना, तो रचित यहाँ बता रहा है घटना की बात। 2 फरवरी 2012 की है, मैं और मेरा दोस्त यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे, तभी हमें नदी से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, चारों ओर देखने पर पता चला कि एक भी पानी में डूब रहा था है ना। इतने में मैं नदी में कूद गया और किसी तरह से डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। बाद में जब उस व्यक्ति को होश आया तो उसने बताया कि मेरा नाम राजन है
और फिर बात की जो घटना है कैसे क्या हुआ था, उसके बाद उसे वीरता पुरस्कार अचित को मिला, वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह चीज अचित के साथ हुई है ना। अब उसी की घटना को यहाँ पे समाचार बना के न्यूज में छाप, अचित के साथ घटना घटी थी वो यहाँ समाचार बना के छाप दी गई। तो समाचार कैसे लिखा जाता है आप लोग ध्यान से देखिए, कोई भी समाचार लिखने के लिए हेडिंग दी जाती है। हेडिंग उन्होंने क्या बनाया, न्यूज वालों ने छोटी उम्र में बड़ा का नामा, क्या लिखाया, छोटी उम्र में बड़ा का नामा। अब देखिए दिल्ली संवाददाता, जो आसमा के साथ घटना घटी थी उसको आप, हाँ बेटा बुक ए में आपसे पूछा गया है आसमा के साथ घटी घटना का समाचार के रूप में लिखे, पूछा गया था ना प्रश्न, हाँ यस मैम। तो आप लोगों ने यस मैम प्रश्न का उत्तर यस मैम। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, नहीं याद हो तो याद दिला दीजिए, इसमें से किसी एक घटना पर समाचार पत्र प्रकाशित किए जाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी जो घटना थी आसिमा की और राधिका की, दोनों घटनाओं को आपने पढ़ा, साक्षात्कार विधा में लिखा हुआ था है ना, आपको उसको yes, यहाँ लिखना है किसी एक के बारे में। तो क्या आप लोगों ने इसको लिखा था? Yes, ma'am. महिमा बताइए आपने क्या लिखा? मैम लिखे घटना को लिखा है आपने, महिमा मैम हम लिखे हैं और बोलती हो महिमा आपको बताना। चलिए बताइए दोनों घटना में से कौन सी घटना आप लिखी हो, कैसे लिखी हो मैं बताओ। महिमा tell you yes बताइए इसमें क्या लिखी हो। मैम नहीं रखती है मैम, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बुक ए का, क्वेश्चन नंबर कलम की सवारी का क्वेश्चन नंबर 4 ये मैम आई डोंट राइट क्यों नहीं राइट की अब तक, सॉरी मैम। नहीं राइट किए ना, कोई राइट किया है ना, कोई भी राइट किया बताओ बेटा, बताइए जो राइट किए हो, क्योंकि सबका स्क्रीन पे सबका और दिख नहीं रहा है, जो राइट किया हो खुद से नाम बताएं या सुनाएं जो राइट किए हो। मैम मैंने नहीं राइट किया है, तो राइट किया राइट तो किसी ने नहीं किया, अगर जो राइट किया हो तो अपना नाम बताएं या बताएं क्या राइट किया। यानी ये क्वेश्चन अब तक आपसे पढ़ा पेंडिंग कर दिया उसको है ना, आपने मुझसे बताया कंप्लीट हो गया, हाँ बताइए बात जून 2002 की है, उस दिन आसी अम्मा और उनकी सहेलियां किताब के महिमा, अगर आपने ऐसे लिखा तो घटना आपका समाचार के रूप में नहीं माना जाएगा, आपने इसी को तो लिख दिया बात 2003
3 जून 2010 की है, इसी को आपने लिख दिया हमारे मस्तानी का, है ना। तो समाचार के रूप में जब लिखना था इससे पहले आपको देख उसका हेडिंग डालना था, हेडिंग आपने कुछ डाला नहीं है, है ना। हेडिंग डालना था वीरता के कारनामे, आपका हेडिंग होना चाहिए था वीरता के कारनामे, है ना। उसके बाद समाचार समाचार लिख रहे हो, पहला हेडिंग होता है ताकि व्यक्ति उसके जो है आकर्षित हो पढ़ने के लिए, वीरता के कारनामे हेडिंग डाली होती। उसके बाद लिखती मध्य, हाँ, संवाददाता मध्य प्रदेश, क्या लिखूंगी, संवाददाता मध्य प्रदेश, हेडिंग हुआ छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे, ये भी हेडिंग होता छोटी सी उम्र में बड़े कारनामे। अब आप डाल नीचे लिखती मध्य प्रदेश संवाददाता, क्या लिखती मध्य प्रदेश संवाददाता, जैसे यहाँ दिखाया गया है आपका, कैसे समाचार लिखा गया यहाँ देखिए, क्या लिखा है ना, दिल्ली संवाददाता, आप यहाँ लिखती मध्य प्रदेश संवाददाता। अगर आपको आसिमा की कहानी लिखना है तो आप आसिमा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी ना, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप yes, बड़ा कारनामा सलोनी, तुम लोग माइक ऑन करके क्यों बातें करने लगते हो, क्लास से बाहर कर दे क्या, मैं नहीं बात कर रहे हैं, कोई माइक पर ऑन नहीं रखेगा, छोटी उम्र बड़ा कारनामा। आप आसमा की घटना को समाचार के रूप में लिख रही है तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश संवाददाता, क्योंकि आसमा मध्य प्रदेश की थी, घटना मध्य प्रदेश की है, इसलिए आपको यहाँ चेंज करना है मध्य प्रदेश संवाददाता। अगर आप राधिका की घटना लिखना हो तो आप लिखेंगे राजस्थान संवाददाता, राजस्थान संवाददाता, क्योंकि राधिका कहाँ की रहने वाली है, राजस्थान की, समझ में आ रहा है सबको, yes, ma'am. Yes, ma'am. रहने वाली है आसमा मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इसलिए आपको मध्य प्रदेश संवाददाता लिखना है, राधिका राजस्थान की रहने वाली है, इसलिए यहाँ पे आपको राजस्थान संवाददाता लिखना है। अब दोनों की घटना को आपको अपने शब्दों में लिख देना है, ये आपका समाचार बन गया, ठीक है, yes, ma'am. रचित का घटना है, ऐसे आप यहाँ आसमा की घटना को लिख सकती हैं या फिर राधिका को घटना लिख सकती है, इस तरह से रचित की घटना को हटा दिया, आपको चेंज करना है समाचार लिखना है तो केवल आपको लिखना को हेडिंग आपका होगा छोटी उम्र बड़ा कारनामा, राधिका आसमा का लिख रही है तो मध्य प्रदेश संवाददाता, अगर राधिका का लिख रही है तो राजस्थान संवाददाता, फिर उसके बाद उसकी घटना को आपको लिखना है, घटना राधिका की घटना है तो राधिका का घटना लिखेंगी, और अगर उनका घटना है तो अपना घटना, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है, जो आप इसका जो है चीटिंग करेंगी तो आपका ये नहीं है, इतना तो आपका अगर ऐसा लिखेंगी तो चीटिंग करना हो गया, तो ये आपका साक्षात्कार विधा है, आप तुरंत पकड़ ली जाओगी, आप घटना को पढ़ी, घटना की जानकारी आपको हो गई, आपको अपने शब्दों में लिखना है घटना, ठीक है, कैसे लिखना है अपने शब्दों में, जैसे बात अगर आपको राधिका का लिखना हुआ तो आपने लिखा संवाददाता राजस्थान संवाददाता, छोटी उम्र बड़ा कारनामा हेडिंग थी राजस्थान संवाददाता, अब आप लिखेंगे बाद 2010 के
बसंत पंचमी के दिन की है। राधिका यहाँ मेरी लिखोगी तुरंत पकड़ ले जाऊंगी, पकड़ में आ जाएगा कि आपके चीटिंग करके लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखोगी राधिका की माँ और नाना जी ने राधिका की शादी करने के लिए लड़का पसंद कर लिया था। राधिका शादी नहीं करना चाहती थी, तुरंत शादी करने के लिए उसके बार बार दबाव डाला गया। राधिका का घर से निकलना बंद करा दिया गया, लेकिन राधिका ने अपना निर्णय नहीं बदला, है ना। उसने वह किसी तरह से भाग कर पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने पड़ोसी शकुंतला के यहाँ पहुंची। पहले तो शकुंतला ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन बाद में राधिका के समझाने पर वह बात मान गई और फिर राधिका को पुलिस स्टेशन ले गई, और जहां से पुलिस की सहायता से राधिका और उसकी मौसी ने उस राधिका के विवाह को रोका। साहसपूर्ण घटना के लिए राधिका को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपको ऐसे लिखना नहीं है राधिका का। अगर आपको उनका लिखना है आसिमा का, तब भी आप लिखेंगी। कैसे लिखेंगी? मध्य प्रदेश संवाददाता आसिमा कहाँ की रहने वाली थी? मध्य प्रदेश। आपको यहाँ क्या लिखना होगा? अगर आपकी आसिमा की बच्चा हो मध्य प्रदेश संवाददाता। मैं मध्य प्रदेश संवाददाता। चलिए सब लोग स्क्रीन पे आइए, तब हम पूछते हैं कौन बताएगा राज का आसमान की घटना को समाचार के रूप में। हैंड शो कीजिए, कौन बताने के लिए तैयार है? जो लिखा होगा आपने ईमानदारी से वही तैयार होगा बताने के लिए, किसी ने नहीं लिखा है। अभी हम इतना देर से चिल्ला के बता रहे हैं समाचार कैसे लिखा जाएगा, फिर भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे आसमा का बताए थे ऐसे ही राधिका का भी लिखा जाएगा। यस मैम। चलिए अनन्या आप बताइए बेटा, आप कैसे लिखा जाएगा? मध्य प्रदेश की रहने वाली 9 वर्ष की आसिमा ने अपनी आसिमा का समान जान रही है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मध्य प्रदेश संवाददाता। क्या लिखेंगी? मध्य प्रदेश संवाददाता। अब घटना का समय बताइए। घटना 2002 की है। मध्य प्रदेश की रहने वाली 9 वर्ष की आसिमा ने अपने दोस्त संगीता की जान बचाई। ऐसे बात 3 जून 2010 की है। आसिमा और उसकी दोस्त नदी किनारे खेल रहे थे, तभी उसकी दोस्त संगीता का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरी। सारी दोस्त चिल्ला रही थी, पर आसिमा को तैरना आता था, इसलिए आसिमा नदी में कूदी और संगीता का हाथ पकड़ के किनारे पे ले आई। देखिए बेटा, आपने कुछ हद तक सही किया है ना। तो शुरुआत में हेडिंग उसका था छोटी उम्र में बड़े कारनामे। अभी लोग डाल देंगे हेडिंग छोटी उम्र में बड़े कारनामे। मध्य प्रदेश संवाददाता अगर आसिमा का लिख रहे हैं। घटना 2010 की है। एक बार आसिमा और उसकी सहेलियां तालाब के किनारे खेल रही थी और संगीता आसिमा की सहेली संगीता का तालाब पर फिसला और तालाब में जाकर गिर पड़ी। वहां पे सब लोग बचाने की सब लोगों ने आवाज लगाया, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। आसिमा को तैरना आता था, वह अपनी सहेली को संगीता को बचाने के लिए नदी यानी तालाब में कूद गई और उसे
पकड़कर तैरकर उसको बाहर ले आई। इस प्रकार आशिमा ने अपनी दोस्त संगीता की जान बचाई। ठीक है, ऐसे ही आप राजा का निकले राजस्थान संवाददाता घटना 2002 बसंत पंचमी की है, द्वारा बसंत पंचमी की है। राधिका के मम्मी पापा और नाना जी ने उसकी शादी तय कर दी। राधिका शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह अच्छे भाग कर जो है अपनी मौसी के यहाँ गई। उन्होंने मौसी से कहा मैं शादी नहीं करना चाहती। मौसी ने उसे समझाया, बहुत समझाने के बाद मौसी के समझ में आया और वह राधिका को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां पुलिस की मदद से राधिका की शादी होने से, बाल विवाह होने से राधिका बच पाई है ना। इस बहादुरी के लिए उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सभी लोग की समझ में आ गई? यस यस चले जाओगे ना? यस मैम यस। अब सब लोग लेना बैठे, ठीक है, कंप्लीट करके अपना होमवर्क कंप्लीट करके भेज देना। चलिए बेटा, अब आज का सेशन और एक चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ नए सिलेबस के साथ मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय।